तेरे संग लागी रे लगन वो शंकरा, तेरे संग लागी रे लगन वो शंकरा। तो मैं भाई जाफरी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सर भाई जाफरी, जय हिंद जय हिंदी। कैसे हैं आप लोग मेरे जीतो? तो आइए, आप लोगों ने कहा था कि सर जी इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन पढ़ाएंगे 2021 का, तो ये है बाबू 2021 में गेस पेपर लगा रहे हैं। गेस रामायण हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन उसकी भावों को समझना इतना आसान नहीं होता। तो जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस वही बता सकता है। तो जान लीजिए, टीचर का काम होता है आपको गेस बताना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस रहता है। तो हम बता रहे हैं बाबू एक्सपीरियंस, और 30 क्वेश्चन पेपर वन में से लेंगे। जान लीजिए वीआईपी, वेरी वेरी वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। 30 क्वेश्चन लेंगे पेपर वन में से, 30 क्वेश्चन लेंगे पेपर टू में से। अगर ये सब चैप्टर्स आप में हैं, आपके सिलेबस, आपके यूनिवर्सिटी में, तभी पढ़ें बाबू, अदरवाइज आप सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कमिंग हियर, कष्ट के लिए खेद है। तो आइए शुरू करते हैं लाला। अगर आपने ज्वाइन किया है तो बहुत ही अच्छा, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और जितने भी लोग हैं उन्हें भी ज्वाइन करवाएं। आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। उन्हें शेयर करें, उन्हें ज्वाइन करवाएं। जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। तो सबसे पहले यहाँ मेन पॉइंट पे आते हैं। हाँ, 30 क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, क्योंकि ये बार बार डिस्कस करता है 2012, 15, 18 और 17 पूछा गया है ये क्या है लिरिक, और हम वीडियो में बना चुके हैं लिरिक होता क्या है। आराम से जाइए वीडियो में देखा करिए, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं बाबू, आपको पढ़ना इसी में है। आंसर भी देख सकते हैं और नोट भी बना दिए हैं, वहां जाकर देख लीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, और बात करते हैं एलिजी। एलिजी भी इम्पोर्टेंट होता है, खासतौर पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको ना देखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं आगे बाबू, ये होता, ये इम्पोर्टेंट होता बाबू बहुत। कहते हैं व्हाट इज ओडे, ओडे को हम डिस्क्राइब कर दिए हैं वहां जाकर पार्ट एट में, हाँ लेसन एट में, वहां आपको डिस्कस कर दिया गया है, जाकर देख लीजिए व्हाट इज ओडे डिस्क्राइब्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन। तो बात करते हैं आगे, ये जो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। देखिए कितना पूछा गया है, 16 में 11 और 17 पूछ लिया है ज्यादातर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, ये 99% चांस है बाबू। राइट एन एसे ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन ये है इम्पोर्टेंट, जान लीजिए 99% चांस, उसको लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लिया करिए। देखिए आप आंसर भी लिख सकते हैं बाकायदा आराम से। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया है। चौथा बैलेट के बारे में नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली नहीं। ये चौथा इम्पोर्टेंट कहोगे भैया, ये जब इम्पोर्टेंट है, पांचवा ये इम्पोर्टेंट है, तो कुल इम्पोर्टेंट लाइन से बता देंगे तो फायदा कह रह जाएगा। तो लेकिन बाबू ये जो इतना है ना, ये फार्मा पोएट्रीज है, ये अक्सर पूछ लिया करता है 5 नंबर में, ये जरूरी होता है। कुछ जानो या ना जानो लेकिन भरा रहे, ये हम तरीका स्ट्रेटेजी आपको बार बार बताते रहते हैं। बात करते हैं अब ये फर्स्ट लेसन की, विलियम शेक्सपियर टू हिज लव सोनेट 10 भी से कहा जाता है। तो यहां सब देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट जान लीजिए भैया। ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन ज्यादातर ये इम्पोर्टेंट। देखिए कितनी बार पूछा गया है, ये 10, 13, 14 यहाँ 16 बार, ये देखो 11, 12। तो यहां से लेके ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। देखते रहिए ये भैया, इतना इम्पोर्टेंट होता कि अब पूछो मत, माँ कसम इसको 99% चांस लिखो, इतना इम्पोर्टेंट आज तक नहीं पता। बार बार जिक्र करता है इसका, तो इसका इम्पोर्टेंट बाबू हेडिंग, जितने हेडिंग है सब रट लीजिए और बना बना के बीच में आप लिख दीजिए कि हेडिंग इम्पोर्टेंट होता है, हेडिंग लिखिए, जितना हेडिंग है दिमाग में बैठा लीजिए। और ये भी इम्पोर्टेंट, जितने भी लेसन के हैं नोट, हाँ राइट नोट ऑन शेक्सपियर एंड सोनेट, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये जरूर बैठाइएगा दिमाग में। तो ये आपका हो गया है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन, ये आपका 6वां क्वेश्चन है। तो ये है आपका पूरा शेक्सपियर, ये 7वां क्वेश्चन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार जितने लेसन के सभी को का राइट नोट, ये नोट जो है वो आप दिमाग में बैठाइएगा सभी लेसन के बाबू, हम बताए हैं पढ़ा दिए हैं, तो नोट बैठाइएगा दिमाग में। यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, आगे बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन ये हो चुका है, और ये जितने लेसन पढ़े आप, जितना लेसन पढ़ेंगे बाबू उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये चाहे स्टेंजा है ना, दुनिया कोई भी स्टेंजा आ जाएगा, लेसन पढ़े आराम से आप लिख सकते हैं। 7वां, तो ज्यादातर जो ये देखिए कितनी बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 8वां क्वेश्चन है,
फिर बात करते हैं आगे, ये देखिए कितनी बार क्रिटिकल फिर पूछा ना, क्रिटिकल क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ दिस सनराइजिंग, बार बार इसका जिक्र करता है ये सबका। हाँ तो ये इम्पोर्टेंट होता है लाला, तो ही नाते आठवां के वन नौवां यही है। डिस्कस दी लिखा थॉट्स एंड, ये जब इसके बारे में जान लेगा ना क्रिटिकल अप्रिसिएशन, तो थॉट्स में कोई जरूरत की बात नहीं है, इसको ना करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से वही लिख देंगे तब भी चल जाएगा, फिर तो बाद में आगे बात करते हैं। देखो कितनी बार पूछा है, 10, 12, 13, 17 में बार बार जिक्र करता है इसका, और बताया ना क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये है आपका नौवां क्वेश्चन। आपका नौवां क्वेश्चन ये है बाबू, नहीं नौवां ही नहीं, ये दसवां है, दसवां ये क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार जिक्र किया है, ये बार बार जिक्र करता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन, तो 11वां क्वेश्चन आपका ये है। 12वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपका ये है। फिर बात करते हैं आगे, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं एसे अनुमान, एसे अनुमान में आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट, जो ज्यादा बार देखिए कहाँ है उसी को पढ़ा करिए ज्यादातर, ये गेस पेपर में ये इम्पोर्टेंट होता है। ये तो ये यहाँ वहां पढ़ सकते हैं आप, लेसन आपने नहीं पढ़ा जाकर वहां देख लीजिए, बाकायदा हम नोट भी प्रोवाइड किए हैं, इसीलिए तो यहाँ तो कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं। बारहवा क्वेश्चन ये, बात करते हैं आगे। कितनी बार दिया है देखो, ये इम्पोर्टेंट राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये 13वां, ये कितनी बार पूछा है, 14वां, कितनी बार पूछा है उसको बहु पढ़ाना पड़ेगा, और कोई जरूरी नहीं है फालतू नहीं एक करेंगे, जो ज्यादा बार पूछा गया वही ज्यादातर हम लोग पढ़ लेंगे। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 14वां, ये 15वां इसको कर दें, 15 हो गया। अरे भैया ये तो नहीं इम्पोर्टेंट है ना कि पूछो ना, बार बार इसका लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, लिखा देयर होमली ज्वेस एंड डेस्टिनी ऑफ क्योर, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाला, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बार बार इसको पढ़ाए हैं और पढ़े हैं तो जानते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्सेशन अक्सर पूछ लेता है। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर, हमें उनके यूजफुल टॉयल, उनके महान कार्य मतलब यूजफुल कड़ी मेहनत को एम्बिशन मोक मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर पूरा पढ़ाए हैं वहां जाकर देख लेते हैं। 16वां बात करते हैं, 17वां देखिए, बार बार ये बात जिक्र किया है इसका, व्हाट द स्टार्स, ये 17वां के बाद ये देखिए यहाँ 17वां, ये 17वां क्वेश्चन ज्यादातर, ये देखो भैया क्रिटिकल, फिर क्या क्रिटिकल 18, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, 18। तो यहाँ बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है लाला, ये कहाँ है, ये देखो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है बच्चा, ये देखो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, 19वां। तो यहाँ आप देखिए ज्यादातर यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है लाल। तो यहाँ देखो, ये देखते हैं पीबी सिल्ली का लिखा गया है, 19, 19, ये देखिए बार बार, तो यहाँ से अब देखो 20वां क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये 21, कितनी बार पूछा है, ज्यादातर जिक्र किया गया है। देखो इसको तो छोड़ो ना भैया, क्या कह रहा है, डिस्कस लिरिक पोएट, राइट नोट लिरिक क्वालिटी ऑफ द पोएम, ये ज्यादातर बार पूछता है, अक्सर ये पूछा करता है बाबू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रिपीट कर लीजिए। 21, ये 22वां क्वेश्चन है, दिमाग बैठा रही है, 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन, 22, 22, 22, 22। फिर यहाँ देखते हैं 23वां क्वेश्चन, देखिए कितनी बार जिक्र किया है 23वां क्वेश्चन, जो फालतू है उसको नहीं करेंगे हम लोग, 24वां पढ़ेंगे बाबू, इम्पोर्टेंट जो वही है, देखो 25वां, दिख रहा ना क्वेश्चन भी लिखा है, आप वहां देखिए सब कुछ पढ़ा दिया गया बाबू। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सिर्फ मास्टर का पढ़ लेना है, 25वां हो गया, 25,
बात करते हैं 26वां, ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है। 26वां छब्बीसवां 27वां बहुत इम्पोर्टेंट होता होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 27 देख लीजिए आप, आंसर भी लिखा है बाकायदा। 28 की बात करते हैं, ये देखो कितनी बार पूछा है। 28वां देखो कितनी बार पूछा ये। 29 रॉबर्ट ब्राउनिंग, 30 तीसवां क्वेश्चन देखो कितना इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 30 और लास्टवां क्वेश्चन बचता है भैया, ये सब लास्ट लेसन है इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए कितनी बार, ज्यादा बार कहाँ दिया ये देखो, ये तो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ ये 31वां क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए बाबू। 32 क्वेश्चन टोटल, 32 क्वेश्चन दिया गया, पेपर सेकंड स्टार्ट हो गया है। अगले वीडियो पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तब तक के लिए सभी लोगों को बताइए बाबू, सूचित करिए, ज्वाइन करवाइए। आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिला तो यहाँ तक आए कि चैनल पे आज ज्यादा संख्या है, आप लोग का प्यार मिला तो ज्वाइन ज्यादा लोग करें, अच्छा लगता है जो ज्यादा लोग रहते हैं। कम रुपए में कम चीज में आपको इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है, हर एक स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है, कैसे पासिंग मार्क लाए। इंग्लिश होता है टफ बाबू, इसीलिए आप अगर हिंट पा जाते हैं ना तब भी बहुत काफी है। कम रुपए में देखिए अगर जोड़ा जाए तो 300 रुपया लोग दिया करते हैं महीना का, तो 1236600 रुपया उन्हें देना पड़ता है। सोचो यहाँ आपको सिर्फ 150 रुपया या 49 रुपया होगा, वो ही नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे पढ़ पाएंगे बताइए। लोग 5000 खर्च कर देते हैं, तो लोग बताइए कोई भी हो ज्वाइन करे, मस्त VIP क्वेश्चन सब ज्वाइन करने वालों को ही दिया जाएगा, अदरवाइज सिर्फ उन्हें इसे पढ़ा दिया जाएगा। ज्वाइन करिए, मस्त से पढ़िए, क्योंकि जब तक हमें कुछ भी नहीं, अगर जब तक हम रुपया नहीं खर्च करते हैं बाबू, तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हम कुछ खर्च किए हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदी। यहाँ बरकरार रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं घड़ी में कितना बज रहा है, घड़ी कहाँ गया ये देखो, आप यहाँ देख सकते हैं आप लोगों के लिए इतना, 1 बज रहा है, 12:50 हो रहा है। इतना तबीयत पूरा खराब भी है तब भी आप लोगों से लिए हम कहें VIP क्वेश्चन, आप लोगों की मांग है कि 10 तारीख से एग्जाम चालू है, तो सर जी मनाए तो बिल्कुल बाबू आपके लिए भरसक प्रयास करें हैं कि जितना, अगर जितना 32 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, अगर आपने रिपीट कर लिया गारंटी के साथ है बेहतरीन नंबर लेकर आएंगे आप। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में करिए, और देखिए जितना भी नोट प्रोवाइड कर दिएगा, और PDF आएगा आपका, वो आपका दाम रहेगा 149 रुपीज, 149 रुपये का PDF रहेगा, जो कि हम सिक्स लेसन तक पढ़ा दिए हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन, ये आपको PDF में मिलेगा। तो वहां जाकर नोट हम बनाए PDF का, वहां जाकर मिलेगा बाबू, हम आपको बता दिए हैं बाकायदा। ओके ज्वाइन कर रहे हो तो भरपूर लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको हर एक चीज दिया जाएगा। ओके फिर उसके बाद सेकंड पेपर का हम जल्दी बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे, मजा आएगा। फिर और कुछ इम्पोर्टेंट बताते रहते हैं, ज्वाइन करने वालों को ज्यादा फायदा होगा, कम से कम कुछ तो बेनिफिट हो, और पर्सनली उनका चैट या उनको सजेस्ट किया जाएगा कि ऐसे ऐसे बेहतर नंबर लाए। जय हिंद जय हिंदी, बाय बाय, फिर फ्रॉम सहजी बिल्ज, लव यू।